फिर दोस्तों बढ़ते हैं एक्स चैप्टर नंबर 10 की पहली थ्योरम की तरफ। आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होंगी। पहली थ्योरम क्या कहती है कि जो टेंजेंट है वो रेडियस के साथ कितने का एंगल बनाता है, 90 का। यानी किसी भी सर्कल का टेंजेंट उस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के थ्रू जो रेडियस आएगी उस रेडियस के साथ हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, सर्कल के किसी भी एक पॉइंट पर आप टेंजेंट लीजिए, वो हमेशा परपेंडिकुलर आएगा किसके, रेडियस के। और रेडियस कहाँ से शार्ट होनी चाहिए, थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी किसी भी सर्कल के ऊपर आप टेंजेंट लोगे उस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जो रेडियस बनेगी उसके साथ हमेशा 90 का एंगल बनाएगा। तो प्रूफ थोड़ा जो है तो इजी, इसका थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। हमारे पास गिवन क्या है, जो एक्स वाई है वो सर्कल का टेंजेंट है, सर्कल का सेंटर ओ है, और जो पी है वो क्या पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। आपने प्रूफ क्या करना है, इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जो रेडियस बनेगी वो किसके परपेंडिकुलर आएगी, एक्स वाई के। तो आपने शो करना है कि जो ओ पी है वो एक्स वाई के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है जी। इसके लिए हम छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक क्यू पॉइंट ले लेंगे इस सर्कल से बाहर कहीं पर भी, इस लाइन के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है अदर देन पी, पी के अलावा। तो हम उसको ओ से ज्वाइन कर देंगे। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, जो क्यू पॉइंट है हमने इस लाइन के ऊपर लिया है, कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। अब क्योंकि ये पॉइंट सर्कल से बाहर है, आपको पता है कि ओ पी और ओ आर ये दोनों इक्वल है, सर्कल के रेडियस ये आर पॉइंट सर्कल के ऊपर है। जो ओ क्यू है वो आपका ओ आर से बड़ा है, और ओ आर किसके इक्वल है, ओ पी के। यानी ओ क्यू आपका ओ पी से बड़ा आएगा। यानी इस लाइन के ऊपर अगर हम P के अलावा कोई दूसरा पॉइंट लेते हैं, वो सर्कल से बाहर होने की वजह से वो OP से बड़ा होगा। इतनी बड़ी थ्योरी में हमने यही लिखा हुआ है, टेक ए पॉइंट Q ऑन XY अदर देन P एंड जॉइन O2। द पॉइंट Q मस्ट लाई आउटसाइड द सर्कल, सर्कल के बाहर लाई करेगा, और बाहर लाई करने की वजह से देयरफॉर जो OQ है वो OP से बड़ा होगा। तो आगे इसका मतलब, सिंस दिस हैपेंस फॉर एवरी पॉइंट, यानी इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे, लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सारे के सारे सर्कल से बाहर होंगे, और सर्कल से बाहर होने की वजह से जो ये वाले डिस्टेंसेस हैं वो ओपी से बड़े आएंगे। तो सिंस दिस हैपेंस फॉर एवरी पॉइंट ऑन द लाइन एक्स वाई एक्सेप्ट देन पी, यानी पी को छोड़कर जितने पॉइंट्स आएंगे उन सबका डिस्टेंस ओ के साथ ओपी से बड़ा आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो ओपी का डिस्टेंस है इन सबसे छोटा है, इसका मतलब हमने यही लिखा है। सो ओपी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ ऑल डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट ओ टू द पॉइंट्स ऑन एक्स वाई, यानी ओ का एक्स वाई के ऊपर बाकी जितने पॉइंट्स आएंगे उनका डिस्टेंस अगर हम ओ के साथ देंगे, जो OP वाला डिस्टेंस है P पॉइंट सर्कल के ऊपर होने की वजह से जो OP वाला डिस्टेंस है वो सबसे छोटा होगा, OP वाला डिस्टेंस सबसे छोटा होगा। अब मुझे ये बताइए, हमने नाइन्थ क्लास में पढ़ा था किसी पॉइंट से किसी लाइन का जो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो कौन से वाला होता है, ये परपेंडिकुलर वाला। किसी पॉइंट से किसी लाइन का जो सबसे छोटा डिस्टेंस आएगा वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही आएगा। अब क्योंकि आपका OP आपका सबसे छोटा डिस्टेंस है, सो OP इज परपेंडिकुलर टू XY, और यही हमने शो करना था। तो यहाँ से बच्चों हमने क्या सीखा कि जो टेंजेंट है वो रेडियस के साथ हमेशा कितने का एंगल बनाता है, 90 का। यानी टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स रेडियस। तो चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज 10.1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स है, सॉरी, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव, पहला ही क्वेश्चन है। एक सर्कल के पास कितने टेंजेंट हो सकते हैं बताइए, सोचो सोचो।
देखिए ये सर्कल है, सर्कल के जितने पॉइंट है हर एक पॉइंट से हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये वाला पॉइंट है यहाँ से भी टेंजेंट, ये वाला पॉइंट है यहाँ से भी टेंजेंट, ये वाला पॉइंट है यहाँ से भी टेंजेंट, यहाँ से भी टेंजेंट। यानी सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट्स आएंगे उतने ही सर्कल के क्या आएंगे, टेंजेंट। अब मुझे ये बताइए सर्कल के ऊपर टोटल कितने पॉइंट हो सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी। तो सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट बनेंगे वो भी कितने बन सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर वन का जो आपका आंसर है उनका क्वेश्चन ये था हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल है, एक सर्कल के पास कितने टेंजेंट होते हैं। तो आपका आंसर क्या रहेगा, इनफाइनाइटली मैनी। ए सर्कल कैन हैव इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट्स। इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट्स क्वेश्चन आपका यही था, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल है। तो एक सर्कल के पास कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी। सेकंड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इन क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट नंबर वन, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इन इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट या फिर पॉइंट्स। सर्कल का टेंजेंट है वो सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है बताइए, सर्कल का टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, सिर्फ एक पॉइंट पे। इसका आंसर क्या होगा, ओनली इन वन पॉइंट। सेकंड पार्ट, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड ए, बताओ डेफिनेशन करवाइए आपको। जो लाइन सर्कल को दो पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करती है उसको हम क्या बोलते हैं, सेकंड। तो सेकंड में फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा, सेकंड। ए लाइन विच इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड ए सेकंड। थर्ड पार्ट, ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। देखो तो एक सर्कल के पास जो टेंजेंट कितने होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी, लेकिन पैरेलल टेंजेंट्स कितने होते हैं, टेंजेंट भी हो और पैरेलल भी हो। मुझे ये बताइए ये रेडियस के साथ कितने का एंगल बनाएगा, 90 का। इसको एग्जैक्ट बिल्कुल आगे तक ले जाओ, अगर हम इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करें ये रेडियस के साथ कितने का एंगल बनाएगा, 90 का। ये दोनों एंगल कौन से हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो तो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल। यानी एक सर्कल के ज्यादा से ज्यादा कितने टेंजेंट पैरेलल हो सकते हैं, तो ऐसा तो सिर्फ इसी केस में हो सकता है, लाइन कब बनेगी जब डायमीटर होगा, यानी जो आपका सर्कल का डायमीटर है उसके एंड पॉइंट्स के ऊपर आप जो टेंजेंट बनाओगे वो टेंजेंट्स क्या होंगे, पैरेलल। तो ऐसे ऐसे कितने टेंजेंट हो सकते हैं जो आपस में पैरेलल हो, दो, ओनली टू। तो इसका आंसर यही है, ए सर्कल कैन हैव टू पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। ए सर्कल can have two parallel tangents at the most।
सर्कल के पास एटमोस्ट कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं? दो। इसके बाद आगे वाला पार्ट, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। जो सर्कल है उसका टेंजेंट और सर्कल जो इसका ये कॉमन पॉइंट है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अगले का आंसर यही है फोर्थ पार्ट का, द कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यही आंसर आएगा फोर्थ पार्ट का। तो यही है जी, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री के स्टेटमेंट पढ़िए, ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स ए लाइन थ्रू सेंटर ओ एट पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर फाइंड द लेंथ पी क्यू। देखिए थर्ड क्वेश्चन के स्टेटमेंट में क्या कहता है कि एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर क्या है? ओ। सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है पी, सर्कल की रेडियस है 5। इन्होंने ये कहा कि जो पी पॉइंट से एक टेंजेंट है, क्या स्टेटमेंट इसकी? ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी पी क्यू एक टेंजेंट है पी क्यू पी पॉइंट के ऊपर और क्यू पॉइंट क्या है? सेंटर ओ से मिलता है और जो ओ क्यू है ये कितना दे रखा है? 12 सेंटीमीटर। आपसे किसकी लेंथ पूछी गई है? पी क्यू की। दोबारा देख लीजिए स्टेटमेंट, ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5, ऐसे सर्कल जिसकी रेडियस 5 है उसके पॉइंट पी से एक टेंजेंट है पी क्यू मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ। ये सेंटर ओ से जो लाइन जाएगी इससे मीट करता है एट ए पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू जो है आपका वो कितना है? 12 सेंटीमीटर। यानी आपके पास ओ क्यू 12 है, ओ पी आपके पास कितना है? 5। और इन्होंने पूछा क्या है? पी क्यू की लेंथ क्या आएगी? पी क्यू की लेंथ क्या आएगी? आप सॉल्यूशन देखिए, सिंस पी क्यू इज टेंजेंट, पी क्यू आपका क्या है? टेंजेंट। और जो टेंजेंट है वो रेडियस के साथ कितने का एंगल बनाता है? 90 का। पी क्यू क्या आएगा? ओपी के परपेंडिकुलर। सो ट्रायंगल ओपीक्यू इज राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो कौन से पॉइंट पे है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यानी पी पे। नाउ इन ट्रायंगल ओपीक्यू एंगल पी इज इक्वल टू 90, सो OP स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम याद है ना, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। 90 के सामने वाली साइड क्या आएगी? हाइपोटेन्यूस। OQ कितना है आपका? 12 स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी आपका 5 का स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। यहां से जो पी क्यू स्क्वायर आएगा वो क्या आएगा? 12 का स्क्वायर 144,
5 प्लस के 25 प्लस का उधर जाके माइनस का ये आ जाएगा आपका 119, तो आपकी पी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट में अंडर रूट 119, ये आपका आएगा पी क्यू। ऑप्शन है आपका, ऑप्शन में दे रखा क्या, अगर ऑप्शन में दे रखा है तो इसका ऑप्शन है डी। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन्होंने क्या कहा है, ड्रॉ ए सर्कल एंड टू पैरेलल लाइंस टू ए गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अदर इज सेकेंट टू ए सर्कल। हमारा अगले वाला क्वेश्चन क्या है, कंस्ट्रक्शन का है। इन्होंने क्या कहा है, पहले एक सर्कल ड्रॉ करें, तो ड्रॉ कीजिए एक सर्कल। कंपास पेंसिल ले ले, हमारा फोर्थ क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन वर्क है। तो सबसे पहले इनका कहा ड्रॉ ए सर्कल, एक सर्कल ड्रॉ करें, हम कंपास की हेल्प से करेंगे। चलिए एक समय मैंने सर्कल ड्रॉ किया, कंस्ट्रक्ट किया। ठीक है जी, और इसका सेंटर लिया हमने, ये ओ। अच्छा, इसके बाद इन्होंने क्या बोला है, ड्रॉ टू लाइन्स पैरेलल टू गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट टू ए सर्कल एंड अदर इज सेकेंट। आपने दो लाइन्स ड्रॉ करनी है, उनमें से एक तो क्या हो, टेंजेंट हो, और दूसरी लाइन क्या हो, सेकेंट। तो मुझे ये बताइए, आपको ये पता है कि जो टेंजेंट है वो रेडियस के साथ कितने का एंगल बनाता है, 90 का। हम ये क्या करेंगे, एक पॉइंट ले लेंगे हम यहाँ पे P, इसको O और P को ज्वाइन करेंगे स्केल के साथ। ठीक है जी, हमें इतना पता है कि जो रेडियस के साथ जो टेंजेंट है वो कितने का एंगल बनाता है, 90 का। तो हम क्या करेंगे, D की हेल्प से रेडियस के ऊपर, अब D की हेल्प से बना सकते हो, कंपास की हेल्प से बना सकते हो, आप कितने का एंगल बनाओगे, 90 डिग्री का। D की हेल्प से हमने 90 का एंगल बनाया, इसको ज्वाइन करें। तो जो ये वाली लाइन है, एक तो ये है टेंजेंट 90 डिग्री का एंगल, और नाम हम दे देंगे इसका एक्स वाई। ठीक है जी, अब इन्होंने क्या कहा था, दो लाइंस आपको पैरेलल चाहिए, आपको क्या चाहिए, एंड टू लाइंस पैरेलल टू गिवन लाइन,
वन इज टेंजेंट एंड अदर इज सीकेंट। यानी इन्होंने ये कहा था कि जो एक लाइन है इसके पैरेलल आपने दो लाइंस बनानी है, उनमें से एक तो क्या है टेंजेंट और एक क्या हो सर्कल। यही क्वेश्चन है ना। तो कोई भी लाइन ले सकते हो इसके थ्रू, एक पॉइंट ले लेंगे। अब इसी के साथ अगर इसके पैरेलल आपको लाइन सीकेंट चाहिए तो इस रेडियस के ऊपर कहीं पे भी आप पॉइंट लें, क्या वो पॉइंट ले सकते हैं। इसके ऊपर दोबारा कितने का एंगल बनाएं 90 का, तो जो ये वाली लाइन होगी ये क्या होगी आपकी सीकेंट, और ये पैरेलल किसकी होगी इस टेंजेंट के, और नाम आप दे सकते हो उसको AB। अब दोबारा से समझिए इस चीज को। इन्होंने क्या कहा था, सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करें और उस सर्कल के साथ कोई एक लाइन लीजिए, उसके पैरेलल आपने दो लाइंस बनानी है, उनमें से एक तो क्या हो टेंजेंट और दूसरा क्या हो सीकेंट। तो हमने क्या किया, उस ओ पॉइंट से उस लाइन के ऊपर 90 का एंगल बनाया किसी भी एक पॉइंट पे, मेरी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब उस परपेंडिकुलर का जो ये सर्कल के ऊपर जो पॉइंट आएगा उसको हमने पी लिया, पी पे 90 का एंगल बनाया, क्योंकि अगर ये 90 है और ये 90 है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम है तो लाइंस क्या होती है पैरेलल। तो इसको हमने पी से मिला के आगे बढ़ा दिया, तो जो एक्स वाई है वो क्या है टेंजेंट है, वो टेंजेंट क्या है इस लाइन के पैरेलल। ठीक है जी। अब हमने इस लाइन के पैरेलल क्या ड्रा करना है सीकेंट, तो सीकेंट क्या होता है जो सर्कल को दो पॉइंट पे कट करता है, तो इसके लिए हम इसी लाइन के ऊपर सर्कल के अंदर एक पॉइंट लेंगे क्या वो, और उस पर कितने का एंगल बनाएंगे 90 का। 90 का एंगल बनाने से जो ये वाली लाइन है ए बी एक्स वाई और एल, ये तीनों लाइंस क्या हो जाएंगी पैरेलल, और एक्स वाई इसमें टेंजेंट है और ए बी आपका क्या है यहाँ पे सीकेंट। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही।